विनेश फोगाट, एक ऐसा नाम जो पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा चर्चा में रहा, लेकिन 6 अगस्त को उनका नाम सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल तक हर जगह छाया हुआ था, क्योंकि वो पहली भारतीय महिला रेसलर होती जो ओलंपिक का फाइनल मैच खेलती। लेकिन फिर 7 अगस्त की सुबह में ये खबर आई कि 50 किलो से कुछ ग्राम वजन बढ़ जाने की वजह से उन्हें फाइनल से पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इस एक खबर ने हमारा एक और गोल्ड का सपना तोड़ा। हम न्यूज़ रूम में जो लोग उस समय बैठे हुए थे, इस खबर के आते ही हमें पता ही नहीं चला कि कैसे रिएक्ट करें, क्योंकि विनेश का सफ़र जो था वो ओलंपिक के फाइनल तक पहुंचने का आसान नहीं रहा था, स्पेशली अगर हम पिछले 2 साल की बात करें तो। और ये ओलंपिक उनके लिए सिर्फ गोल्ड मेडल लाने तक का सपना नहीं था। तो आज हम इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे और विनेश फोगाट के लाइफ में उनकी जो अब तक की जर्नी रही है उसके बारे में जानेंगे। तो हेलो, मैं हूँ स्वर्णा और आप देख रहे हैं स्विच। 6 अगस्त को विनेश फोगाट ने प्री क्वार्टर फाइनल मैच में जापान के उस रेसलर को हराया जो इंटरनेशनल मैच में 82 मैच से जीत कर आ रही थी। विनेश पहली इंटरनेशनल रेसलर बनी जिन्होंने सुसाकी को हराया। उसके बाद उसी दिन विनेश का क्वार्टर फाइनल मैच यूक्रेन के साथ हुआ और सेमीफाइनल मैच क्यूबा के साथ हुआ, और दोनों ही मैच में विनेश को कोई हरा नहीं पाया। और फिर 7 अगस्त को उनका US के रेसलर के साथ फाइनल मैच होना था, लेकिन फिर 7 अगस्त की सुबह ये खबर आई कि 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी जिसमें वो फाइनल मैच खेलती उसमें उनका वजन जो था वो कुछ ग्राम बढ़ गया था, जिस वजह से उन्हें मैच से पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और विनेश के साथ हम सबका भी गोल्ड का सपना टूट गया। लेकिन विनेश की लड़ाई जो थी वो सिर्फ गोल्ड के लिए नहीं थी, ये बात मैंने शुरुआत में भी कही थी। वो इसलिए क्योंकि पिछले 2 सालों में उन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के एक्स प्रेसिडेंट बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला रेसलर ने सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगाया था और विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और कई रेसलर्स उसी को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर कई दिनों तक प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक साइड ऐसी थी जो विनेश को ये कहकर ट्रोल कर रहा था कि अब उन्हें आगे नहीं खेलना है इसलिए वो ये सब कर रही है। लेकिन ओलंपिक में विनेश का ऐसा कमबैक ने उन सब लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि विनेश के लिए उनके करियर का शुरुआती दौर जो था वो काफी अच्छा रहा हो, वो भी काफी ज्यादा चैलेंजिंग रहा था। विनेश का जन्म 25 अगस्त 1994 को हरियाणा के उस परिवार में हुआ जिस परिवार ने कुश्ती में कई मेडल जीते थे। उनके पिता राजपाल फोगाट और चाचा महावीर फोगाट का भारतीय कुश्ती में बड़ा योगदान है। लेकिन जिस गांव में विनेश का जन्म हुआ वहां पहले उस गांव में कुश्ती लड़के ही खेला करते थे, ये उनका ही गेम हुआ करता था। लेकिन फिर महावीर फोगाट और राजपाल फोगाट ने अपने घर की लड़कियों को भी कुश्ती सिखानी शुरू की। विनेश ने जब कुश्ती की शुरुआत की तो उन्हें पैट्रियार्की का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने पहलवानी नहीं छोड़ी, जिसका नतीजा भी हमें देखने को मिला, जिस वजह से वो पहली भारतीय महिला पहलवान बनी जिन्होंने एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता। वो इकलौती महिला पहलवान हैं जिन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कई मेडल्स जीते हैं। 2013 में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जिसका मैच न्यू दिल्ली में हुआ था उसमें विनेश ने 52 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। फिर 2013 में ही जोहान्सबर्ग में एक बड़ा टूर्नामेंट हुआ जिसमें उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। उसके बाद 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में 48 किलोग्राम के फ्रीस्टाइल कैटेगरी में विनेश गोल्ड मेडल लेकर आई थी। फिर उसके बाद 2014 में ही हुआ एशियन गेम्स में विनेश 48 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कैटेगरी में ब्रॉन्ज जीत कर आई। फिर 2016 के रियो ओलंपिक्स में विनेश से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थीं, लेकिन फिर उस ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में विनेश को नी इंजरी हुई, जिस इंजरी की वजह से कई खिलाड़ियों को अपना खेल तक छोड़ना पड़ जाता है, लेकिन विनेश वहाँ भी नहीं रुकी। फिर 2018 के एशियन गेम्स में विनेश गोल्ड मेडल लेकर आई। फिर टाइम आया 2021 के टोक्यो ओलंपिक्स का, जिसमें सभी की नज़र एक बार फिर से विनेश के ऊपर थी, लेकिन इस ओलंपिक में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उसके कुछ ही टाइम बाद रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए विनेश को सस्पेंड कर दिया गया था, जिसके बाद विनेश की अपॉलोजी भी आई थी। फिर उसके बाद साल आया 2022 का जिसमें होने थे कॉमनवेल्थ गेम्स, और कॉमनवेल्थ गेम के 53 केजी इवेंट में विनेश गोल्ड मेडल जीत कर आई। उसके बाद 2022 में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में विनेश ने निराश नहीं किया और ब्रॉन्ज जीत कर आई। फिर साल आया 2023 का, जनवरी 2023 में जो दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के एक्स प्रेसिडेंट बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो प्रदर्शन किया वो उसका प्रमुख हिस्सा रही। उसके बाद उन्होंने 53 केजी छोड़कर 50 केजी के लिए ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। ओलंपिक के
शुरुआत से पहले विनेश पर कई आरोप लगाए जा रहे थे, उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था, लेकिन इन सबका जवाब उन्होंने 6 अगस्त को दिया जब वो ओलंपिक के 50 केजी कैटेगरी के फाइनल में पहुंची। लेकिन फिर कुछ ग्राम वजन बढ़ जाने की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लेकिन विनेश ने मेडल जरूर न जीता हो, लेकिन करोड़ों भारतीयों का दिल जरूर जीत लिया। ये भी साबित कर दिया कि अगर आप कुछ ठान लेते हैं तो आप वो करके दिखाते हैं, भले ही आपके रास्ते में कितने भी कंकड़ आए। तो एक बात तो तय है कि जो विनेश फोगाट हैं वो हम सभी भारतीयों के लिए एक चैंपियन से कम नहीं है।